खबर आपको बताएं, आज किसान संगठनों ने बुलाया है भारत बंद। 40 किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। तो बता दें आपको, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। यूपी से गाजीपुर बॉर्डर के बीच में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए इस ट्रैफिक को बंद किया गया। उधर विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है और इनमें कांग्रेस टीएमसी शामिल है जो भारत बंद का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ सपा और आप ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया है और सपा समेत आप समेत कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी समर्थन दे दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की बातें सामने आई है लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस तरह के बंद करने से किसानों की समस्या, जो अपने आप को कथित तौर पर राकेश टिकैत के साथ के लोग कहते हैं, उनकी समस्या दूर होगी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उधर पंजाब में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बरनाला में रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया है। रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना शुरू। ट्रेन लेट हो रहे से यात्री परेशान हो रहे हैं। तो आप देखिए, ये भारत बंद किया गया है और इसी के तहत जो बरनाला है वहां पर रेलवे ट्रैक पर जाम लग चुका है। रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना प्रदर्शन और इस वजह से ट्रेन लेट हो रही है, यात्री भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए किस तरीके से यहां पर ट्रैक पर ही ये बैठ गए हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें आने वाले समय में यहां पर हो सकती हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, उधर जालंधर में भी किसानों का चक्का जाम। बता दें आपको, पीएपी चौक पर किसानों ने जाम लगा दिया है। लगातार खबरें देश के अलग अलग हिस्सों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएपी चौक पर किसानों ने जाम लगा दिया है। यहां जालंधर में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। तो हर जगह पर अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रेन है वो फंसी हुई है, जो यात्री है वो फंसे हुए हैं। आप देखना ये होगा कि क्या ये यहां से आराम से हटेंगे या फिर कुछ और जो है वो अपनाना पड़ेगा। और इसी बीच जालंधर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जालंधर में किसानों ने दकोहा रेलवे फाटक बंद कर दिया है। किसानों ने चलती ट्रेन को रोका है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो बता दें आपको, कहीं रेलवे ट्रैक जाम किया गया तो कहीं पर सड़क जाम कर दी गई है और इस तरह से भारी परेशानी आज के दिन हो सकती है, हफ्ते का पहला दिन। और ऐसे में यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी, सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए परेशानी। तो बड़े ट्रैफिक जाम की आज संभावना साफ तौर पर बनती हुई दिख रही है, जिस तरह से आज भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है। बिल्कुल, और अलग अलग तस्वीरें भी इसी बात की तस्दीक कर रही है कि अभी, क्योंकि देखिए सुबह का ही वक्त है, 7 बजे है लगभग, और अगर ऐसी तस्वीरें अभी से सामने आ रही है, आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कितनी दिक्कतों का सामना और करना पड़ सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के भारत बंद से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत बंद से पहले सरकार को टिकैत की धमकी, जो कानून रद्द करेगा वही सरकार में रहेगा, ये टिकैत ने धमकाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैक्टर तैयार रखो, दिल्ली में जरूरत पड़ेगी, ये बात टिकैत ने कही है। 40 किसान संगठनों का शाम 4 बजे तक भारत बंद। आपको बताएं, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का वक्त तय किया गया 40 किसान संगठनों का भारत बंद करने का। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और आप समेत कई दलों का समर्थन भी है। और अभिषेक हमारे सहयोगी आनंद विहार से ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का वक्त तय किया गया है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? हालांकि अभी सुबह 7 बजे है लेकिन कुछ खबरें परेशान करने वाली आई हैं। देखिए, खबरें जो परेशान करने वाली आई हैं वो दिल्ली से इतर आ रही हैं, लेकिन अभी अगर दिल्ली आनंद विहार की बात कर लें तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, वैसे ही है जैसे हर सोमवार को लोग भागा दौड़ी करते हैं ऑफिस जाने के लिए। ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, DTC की बसें लगी होती हैं, ऑटोज लगी होती हैं और रश होता है सड़कों पर। उसी तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। यहाँ पर भारत बंद को लेकर कुछ भी नहीं है, भारत बंद तो छोड़ दीजिए, एक रेहड़ी पटरी भी बंद नहीं है, एक छोटी सी दुकान भी बंद नहीं है, एक ऑटो वाला ने अपनी ऑटो तक बंद नहीं की है। तमाम ऑटो वाले भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं, भैया भारत बंद है, तुम क्यों नहीं बंद किया ऑटो अपनी? पता ही नहीं था भाई, को नहीं पता है ना? नहीं। भारत बंद है बाबूजी, आपने ऑटो क्यों नहीं बंद किया? पेट पे रोटी नहीं है खाने को, भारत बंद का कोई मतलब नहीं है। यानी अभिषेक, दिल्ली के अंदर तो कुछ खास इसका असर नहीं दिख रहा, लेकिन अगर जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जहां पर किसानों का धरना लगातार हम देख रहे हैं जारी है, वहां पर क्या हालात हैं, वहां किस तरह से इसका असर दिखेगा? देखिए, मैं बॉर्डर पे ही मौजूद हूँ, ये जो एरिया है ना, ये गाजियाबाद और आनंद विहार का बॉर्डर है, यानी कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली का ये बॉर्डर है। यहाँ पर
पुलिस भी बहुत कम, दो तीन पुलिस, क्योंकि यहाँ पर चौकी है, दो तीन पुलिस यहाँ पर खड़ी है, कोई फोर्स नहीं है, कोई बहुत बड़ी सुरक्षा की इंतजाम नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं है। जो पुलिस वाले उनसे मैंने पूछा तो कह रहे हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। और जहां तक रही बंद की बात, तो बंद के नाम पर आपने ऑटो वालों को सुन लिया, वो कह रहे हैं कि पेट पर लात पड़ी है, पेट नहीं भरेगा तो भारत बंद का क्या मतलब है, किसी को जानकारी तक नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास बने रही है हमारे साथ, प्रिया भी हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई है। प्रिया देखिए, लखनऊ वो जगह, उत्तर प्रदेश चुनाव है और इन जगहों पर खास करके फोकस रहा है राकेश टिकैत का, हमने अक्सर उनको भाषणों में भी सुना है, किस तरह की तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही है प्रिया? बिल्कुल देखिए खुशबू, यहाँ पर बंद का मुझे कोई अभी तक तो, हालांकि सुबह सुबह का टाइम में विशेष जो असर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही चल रहे हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश परिवहन की बात करें, चाहे हम तमाम ऑटो रिक्शा की बात करें, तो अभी तक तो यहाँ पर बंद का कोई असर नहीं दिख रहा। और हालांकि किसानों की ओर से भी कोई पर्टिकुलर प्लेस को यहाँ पर नहीं चुना गया है, तमाम सड़कों पर जरूर कह सकते कि हो सकता है आपसे कुछ ही देर बाद बंद का असर दिखे, लेकिन फिलहाल अगर मैं इस वक्त की स्थिति की बात करूं तो मुझे लखनऊ के अंदर कहीं भी बंद का कोई विशेष असर दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। खुशबू तो बिल्कुल भारत बंद का असर फिलहाल, क्योंकि अभी सुबह के 6 बजे हैं, फिलहाल दिल्ली के अंदर भी नजर नहीं आ रहा। अभिषेक आपके पास आते हुए, हम खासतौर से उन बॉर्डर्स की अभिषेक बात कर रहे थे, खासतौर से टीकरी बॉर्डर हुआ, सिंधु बॉर्डर हुआ, तो जहां पर लगातार किसान बैठे हुए हैं, लगातार वहां जमे हुए हैं, वहां क्या हालात है, क्या वहां पर कुछ असर दिखेगा? देखिए टिकरी बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर बैरिकेडिंग के अंदर इनको इजाजत मिली है, बकायदे इनको उस बैरिकेडिंग के अंदर रह के कुछ भी करना है, वहां बैनर पोस्टर लेके हाय हाय कर सकते हैं, भारत बंद के नाम पर हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, लेकिन जो भी करना है वो उसके अंदर ही करेंगे। संख्या बढ़ा नहीं सकते और संख्या घटा नहीं सकते, क्योंकि आने और जाने दोनों पर मनाही है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या सिंघु बॉर्डर हो। दिल्ली पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों को लेकर भी खबर मिली है, और अब आंदोलन के नाम पर कोई भी अराजक तत्व इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं कर सकता जिसके वजह से आम जनता को परेशानी हो, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, वो सब कुछ हाई अलर्ट पे है। लेकिन आपको बता दूं, कोई भी भारत बंद का एक छोटा सा 0.1% भी अगर असर मैं बोलूं तो मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सोमवार के दिन जिस तरीके से रश होता है वही रश आपको दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देगा। तस्वीरें आप दिखा दीजिए, ये आनंद विहार का रोड है, जिस तरीके से यहाँ पर रश होती है डीटीसी बसों की, ऑटो की, नॉर्मल गाड़ियों की, लोगों की, पैदल चलने वालों की, मेट्रो की, पूरी उसी तरीके से है। रेहड़ी पटरी वाले अपनी दुकान लगा के बैठे हैं, छोटे घुमचे वाले अपनी दुकान लगा के बैठे हैं, ऑटो चल रही है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है अभिषेक की फिलहाल कोई असर यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। बने रही आप हमारे साथ प्रिया। देखिए एक सवाल ये है, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग आ रहा कि कई सारे ऐसे पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, आप सबने समर्थन दिया है, ऐसे में क्या लग रहा है कि धीरे धीरे वहां पर असर दिखेगा, क्योंकि लखनऊ राजधानी है और फोकस रहा है यहाँ पर, तो पुलिस और प्रशासन कितनी सतर्क? बिल्कुल देखिए कह सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में बंद का यहाँ पर जरूर थोड़ा बहुत असर दिखाई दे सकता है। फिलहाल अभी सुबह के 7:10 है, तो फिलहाल अभी तो ऐसा कोई असर यहाँ पर मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हाँ एहतियातन हमने देखा है, चाहे विधानसभा के बाहर की बात करें वहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है कल रात से ही, राजभवन के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, तो एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जरूर कड़ी की गई है। कई लेयर की यहाँ पर जगह जगह बैरिकेडिंग्स की गई है, खासतौर पर जो प्रमुख जगहें हैं उन्हें बैरिकेड्स किया गया है, और साथ ही अगर बात की जाए तो करीब 40 संगठन इस आंदोलन में आज के बंद में शामिल होने वाले हैं। हो सकता है कि जैसे जैसे वक्त बढ़े वैसे वैसे हमें बंद का कुछ असर दिखाई दे। ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों तक उसकी भी तस्वीरें पहुंचाएंगे। हालांकि देखिए अर्ली मॉर्निंग वैसे भी कोई दुकानें नहीं खुलती हैं, तो अभी कोई दुकान तो मैं जरूर यहाँ पर खुली नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही 9 बजेंगे 10 बजेंगे तो हो सकता है कि सड़कों पर धीरे धीरे बंद का कुछ असर दिखाई देना शुरू हो। और हाँ, उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है उसके लिहाज से आज का बंद बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि तमाम अधिकतर जो किसान है, आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात करें, वो सिंगापुर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए। राकेश, लेकिन प्रिया यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं या पुलिस अधिकारी है, कुछ उन्हें इस बारे में इत्तला की गई है किस तरह से किसान भारत बंद कर रहे हैं, कुछ अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को यहाँ पर इस बारे में जानकारी है?
देखिए मुझे नहीं लगता, हालांकि सुबह अभी इतना सड़कों पर लोग भी नहीं दिखाई दे रहे, इक्का दुक्का गाड़ियां ही यहाँ से निकल रही हैं जो अभी सब अपने अपने गंतव्य में जा रहे हैं। चलिए एक बार फिर भी मैं पूछने की यहाँ पर कोशिश करूंगी, जो लोग यहाँ पर मौजूद है, आज भारत बंद किसानों की ओर से बुलाया गया है, जी जी, तो आपको इसकी जानकारी है? जी जानकारी है। तो आप क्या उस बंद का समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आज किसानों की बदतर हालत है। बिल्कुल।